नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते आज की खास खबर की ओर। महोबा में अचानक बदले मौसम के मिजाज के साथ गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दो चरवाहों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि महिला सहित तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। यही नहीं, आकाशीय बिजली की चपेट में आए 10 मवेशियों की भी मौत हो गई। इस हादसे के बाद से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जनपद के अलग अलग तीन स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना हुई है। गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दो चरवाहों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि तीन घायल हुए हैं, वहीं 10 मवेशियों की भी मौत हो गई। बताया जाता है कि बूढ़ा गांव निवासी 60 वर्षीय सुखलाल अहिरवार रोजाना की तरह अपने दो अन्य साथी 58 वर्षीय हरिकिशन कुशवाहा और 30 वर्षीय संत राम राजपूत के साथ गांव के बाहर खेतों में मवेशी चरा रहे थे। तभी अचानक मौसम बदल गया और इसमें पहले से कोई कुछ समझ पाता। आसमान से तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिर पड़ी और उसकी चपेट में आए तीनों चरवाहे शिकार हो गए। आकाशीय हादसा देख ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तीनों चरवाहों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर ग्रामीण पहुंचे, लेकिन तब तक वृद्ध चरवाहा सुखलाल अहिरवार और 58 वर्षीय हरिकृष्ण की मौत हो चुकी थी, जिसे डॉक्टरों ने भी मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल संतराम को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। इस हादसे से मृतक चरवाहों के परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार और चरखारी कोतवाली प्रभारी गणेश प्रसाद गुप्ता मौके पर पहुंच गए। मृतक चरवाहों पर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जबकि दूसरी घटना सालट गांव में घटित हुई है, जहां अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में एक महिला सहित दो लोग आ गए। खेत में कृषि काम कर रहा था 19 वर्षीय मनमोहन पुत्र गंगाराम घायल हो गया, तो वहीं घर में गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में 25 वर्षीय प्रभा पत्नी राजू की भी हालत गंभीर बनी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। वहीं अन्य घटना में कुलपहाड़ ग्रामीण क्षेत्र में गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 10 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई, दो मवेशी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि चरवाहा धान सिंह अपनी बकरी खेत में चरा रहा था, तभी अचानक गिरी आकाशीय बिजली की चपेट में सभी मवेशी आ गए, जिसमें 10 बकरी की मौत हो गई। मान लो बकरी चराने के लिए, भैंस चराने के लिए गए थे, तो मान लो हार में आकाशीय बिजली गिरने के कारण दो लोगों की मृत्यु हो गई है और एक लोग घायल है, जिसमें मान लो सुखलाल की मृत्यु हो गई है और हरकिशन की मृत्यु हो गई है और संतराम घायल है। अच्छा, घायल को भी यहाँ इस इलाज के लिए लाए थे? हाँ, चरखारी स्वास्थ्य केंद्र में, चरखारी में संतु को ले आए थे संतराम, फिर और वो वहीं मान लो पड़े हैं। अभी इलाज के बाद मान लो चरखारी में यहाँ पे से रेफर कर दिया है महोबा के लिए। छिड़िया के ऊपर गाज गिरी। कितनी छिड़िया थी यहाँ? 10 नग। क्या हुआ? गाज गिर गई, जो खत्म हो गई नहीं, दो घायल हैं, 10 नग खत्म हो चुके। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि सरकार मुझे कुछ मदद दे रहे हैं। मैं तो बैठ गया हूँ, बिल्कुल चुनी के चौक, यही मेरा धंधा था, गरीब आदमी, मेरा खेती ना पाती कुछ नहीं है, कोई चारा नहीं है, यही चारा तो मेरे पास, बूढ़े आदमी करवे लायक कुछ नहीं है। शासन की तरफ से कोई आया है अभी जांच करने? अभी कोई नहीं आया है, अब आए आप लोग। हाँ, लेखपाल जी आए हैं, वे जांच कर रहे। अच्छा, अरे कई जो गरीब आदमी है। हाँ, जो है यहाँ बिजली, आकाशीय बिजली से ये बकरियाँ मार गई। किसके किसकी बकरी थी ये? जो है थान सिंह और डबूल की थी। कितनी बकरियों की मौत हुई है? 10 बकरियों की मौत हो गई, ये दो घायल हैं। तहसील प्रशासन से कोई आया है अभी जहाँ? कानूनगो साहब आए हैं, लेखपाल साहब आए हैं। क्या मांग है आप लोगों की? अब उस बेचारे का नुकसान हुआ है तो उसको शासन से दिलाया जाए पैसा, ये मांग है। उसके पास और कोई चारा नहीं है खाने पीने का, ना खेती ना बाड़ी कुछ नहीं है, तो इसलिए कि आकाशीय बिजली अभी 3 बजे के लगभग जोर से तड़की है, जिससे ग्राम बुढ़ा में दो व्यक्तियों की मौत हो गई, एक व्यक्ति घायल है संतु, पिताजी का नाम उनका राम स्वरूप राजपूत, 20 साल उम्र है, इनको जिला अस्पताल के लिए गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जो सुखलाल 65 साल अहरवार और हरिकिशन कुशवाहा, ये इनकी मृतक स्थिति गांव में ही है।